एक बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, समेशन 1/√n इंटू साइन 1/n। दिस इज़ अ वेरी कूल क्वेश्चन। सो हेलो इन दिस साइड सुमेश शर्मा एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो un हमारे पास जो nth टर्म है वो ये है, इसके आगे समेशन का सिंबल लगा, इसका मतलब ये सीक्वेंस है एक हमारा या सीरीज़ है जो भी है, खैर हाल हमें उससे मतलब नहीं। हमें पास un यानी nth टर्म हमारे पास ये है। अब हम इसको करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हो सकता है माइंड ब्लॉक हो जाए, आगे कुछ सोच ना पाए, तो यहाँ पे बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनमें से कौन सी चीज़ एक्सटेंड हो सकती है। केवल साइन का हम सीक्वेंस, साइन की सीरीज़ ही हम जानते हैं जो एक्सटेंड हो सकती है, तो हमने साइन को एक्सटेंड कर दिया है। देखिए साइन की सीरीज़ क्या होती है, साइन का सीरीज़ वन, साइन की सीरीज़ क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक्स क्या है हमारे पास, 1/n, तो जहाँ जहाँ 1x था वहाँ 1/n डाल दिए, ठीक है। पहले आप लोग लिख लेंगे, एक्चुअली मैं आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। सो जस्ट वेट 1 मिनट, हमारे पास है साइन एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1/n नहीं डाल के दिखाऊंगा, एक्स या 1/n आप खुद से रख लीजिएगा। साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। कैसे आती है ये मैंने बताया है, जाइए और सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिए साइन एक्स की जो सीरीज़ है वो कैसे आती है। मैकलोरिन फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग, उसी मैकलोरिन फार्मूला से ये सीरीज़ आ जाती है। सो यहाँ पे एक्स की जगह 1/n रख लीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1/n, तो हमारे पास जो मिलेगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/n पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो बाहर बनेगा कुछ ऐसा 1/(n^3/2), ठीक, 1/(n^3/2), 1 माइनस इतना बन गया, ठीक। अब यहाँ से हमें दिख रहा होगा क्लियरली कि 1/(n^3/2) ये ऑक्सिलरी सीरीज़ है, ये vn है, ये जो बाहर ये हिस्सा है ये vn है हमारा। सो समेशन vn इज इक्वल्स टू 1/(n^3/2). अब क्योंकि 3/2 1 से बड़ा है, ठीक है, तो समेशन vn हमारा कन्वर्जेंट हो गया। p n की पावर जो 3/2 है वो क्या है, p है, p की वैल्यू, और p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो फिर vn हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। क्लियर, एकदम क्लीन इक्वेशन है, ठीक है। सो हमारा वी एन कन्वर्जेंट हो गया। दूसरी बात, रेशियो निकालेंगे यू एन अपॉन वी एन, जैसे ही हम पी की वैल्यू निकाल लें वी एन कन्वर्जेंट प्रूव कर दें, फटाक से रेशियो फाइंड कीजिए यू एन अपॉन वी एन एन गोज टू इन्फिनिटी में, जो कि आएगा 1, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आई है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन और वी एन हमारा कन्वर्ज कर रहे हैं और डाइवर्ज करेंगे एक साथ, ठीक। लेकिन समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन 1/(n^3/2), ये कन्वर्जेंट है। अब देखिए घुमा फिरा के वही बात, लेकिन तो इस कदर ये वो है इन तीन, घुमा फिरा के वही बात हो रही है कि वी एन अगर कन्वर्जेंट हो गया तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। देयरफॉर गिवन सीरीज़, जो सीरीज़ हमारी दी हुई है ये वाली सीरीज़, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही कूल क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन के आने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।